कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अर्ली एज में ही समझ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल लव, रिलेशनशिप और इन सब के अलावा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सिगरेट, वाइन, एडिक्शन और बहुत कुछ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हमें स्कूल लाइफ में ही या कॉलेज के शुरुआत में ही सीख लेना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते या नहीं समझ पाते। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज डीएनके, और कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टॉपिक में बात करेंगे जो हमें 18 से 20 की उम्र में सीख ही लेना चाहिए। सो नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। सो फ्रेंड्स, अगर आप 11th, 12th या कॉलेज में हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तब तो आप तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो। कम्युनिकेशन स्किल जैसे आपके बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज और इन सब को जितना अच्छा हो सके अच्छा करने की कोशिश करें। साथ ही अपना ड्रेसिंग सेंस में भी ध्यान दें। इसके बाद आप स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग जरूर लगेंगे, जिससे आप लोगों का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। आप किसी भी फील्ड में हो, कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे कोई भी फील्ड में, आपका यह बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आपके फील्ड में टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज, गेमिंग और सोशल मीडिया का भरपूर नॉलेज होना चाहिए, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। क्या बोला तूने? हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि ये सब लिमिट में ही होना चाहिए। नंबर 3, अर्निंग। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बेहद कम उम्र में ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा सबको करना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी पर्सनल चीज़ें खरीदने के लिए आप खुद पैसे कमाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में पैसे कैसे कमाया जा सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन जायज है, लेकिन इसका आंसर भी उतना ही आसान है। बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के जो आप अपना सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, यूट्यूब और बहुत कुछ। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप अपना टाइम वहाँ दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैशन को फॉलो करके भी पैसा कमा सकते हैं। नंबर 4, मनी मैनेजमेंट। कोई भी स्कूल या कॉलेज आपको ये नहीं सिखा पाता कि आप अपना पॉकेट मनी या कमाए हुए पैसे कैसे खर्च करें। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपना पैसे किसी अच्छी जगहों पर या किसी अच्छी चीज़ के लिए वेस्ट कर रहे होते हैं या पैसे बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट में आपका फोकस जरूर होना चाहिए। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 5, कंटेंट क्रिएशन। बहुत से लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन जैसे वर्ड्स नया होता है। आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, गेमिंग, वीडियो क्रिएटर, ये सब आपका कंटेंट है। इसे सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक को शेयर करें, यही कंटेंट क्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे रंगोली बनाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में पब्लिश करें। ऐसे ही आप अपने अपने फील्ड से एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके उसे सोशल मीडिया में पब्लिश करें, जिससे आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जिसे आप अर्ली एज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो आगे जाकर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तो आगे लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।